नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन हम लोगों को जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है उसके पीछे का रीज़न क्या है और कल के दिन किस तरीके का रणनीति बना के हम लोगों को काम करना चाहिए। सबसे पहले आज के दिन निफ्टी में हम लोगों को ऑलमोस्ट 333 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है और बैंक निफ्टी में 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट की गिरावट एक ही दिन में हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। पिछले कुछ दिनों के कंपेरिजन में आज का कैंडल सबसे बड़ा नेगेटिव कैंडल साबित हो चुका है और मार्केट में रूमर्स ये है कि इसके पीछे का रीज़न तीन वजह हो सकता है। सबसे पहला रीजन जो है वो एफआईआई को एक लॉ में जो अमेंडमेंट चाहिए था वो सेबी ने बोल दिया है कि उस लॉ में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं आएगा। इसकी वजह से एफआईआई की तरफ से तबड़े सेलिंग के पोजीशन हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमेशा की तरह होता है, बजट से पहले मार्केट में एक तरीके का प्रॉफिट बुकिंग आता है। 1 फरवरी को अपना बजट है, उससे पहले ये आखिरी मंथली एक्सपायरी है तो उसकी वजह से भी ये गिरावट होने की आशंका यहाँ पर बोली जा रही है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन थोड़े आर्ली डिक्लेयर हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये तीन रीजन की वजह से गिरावट हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे जानकार यहां पर मान रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या कल के दिन मार्केट इस गिरावट को कंटिन्यू रख सकता है या फिर यहां से एक बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर और फैक्ट को चेक करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को देखते हैं और ग्लोबल मार्केट के बाद फिर इंडियन मार्केट में अगर उसी तरीके का सिनेरियो डेवलप हो जाता है तो यह हाई प्रोबेबिलिस्टिक मोमेंटम ट्रेड माना जाता है। लेकिन अगर आज के दिन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को इंडियन मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पर अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो यूएस मार्केट कंप्लीटली फ्लैट, मतलब रेंज बाउंड क्राइटेरिया में था और यूके वाला जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे थे। मतलब यूरोप जो था वो ग्रीन में था और यूएस मार्केट जो था वो फ्लैट था। तो उसकी वजह से, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट में जो ये गिरावट देखने को मिल चुकी है ये कम्प्लीटली एफआईआई ने जो अपना माल बेचा है उसकी वजह से आई हुई गिरावट है। तो सबसे पहला पॉइंट, ग्लोबल फैक्टर अभी भी निगेटिव नहीं है। सेकेंड पॉइंट अगर आप लोग देखते हो तो थर्सडे के दिन हमारा जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी के लिए हम लोग जा रहे हैं और हमारा पुट कॉल रेशो जो है वो अभी 0.70 के करीब आ चुका है। मतलब इतना पुट कॉल रेशो का वैल्यू डाउन के बाद और इतना तेज गिरावट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है और हम लोग वैसे भी अभी एक सपोर्ट वाले जोन में आ चुके हैं जहां से एक बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रीजन है कि कल के दिन हम लोग जो है वो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ लेवल आपको समझने पड़ेंगे। उससे पहले लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया बेरिश सिग्नल मिल चुका है। कितने लोगों को ये सिग्नल समझ में आ रहा है मुझे यहां पर एक्सप्लेन करके बताइए। मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको वो सिग्नल ड्रॉ करके बताता हूं तो बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था, फिर उसके बाद हम लोगों को ऊपर की साइड में हेड एंड शोल्डर कैंडल, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है जो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नेक लाइन का ब्रेक करके हम लोगों को यहाँ पर कम्प्लीटली एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर मार्केट में प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। तो ये प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कल के दिन का इंपॉर्टेंट, हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम जो स्टार्ट हो जाएगा वो 21,200 लेवल के नीचे हो जाएगा। मतलब ये 21,190 का जो लेवल है, कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है तो एक डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना, नीचे के साइड में मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी यहां पर बन चुका है। ये सपोर्ट जोन का वैल्यू कितना है वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो कल के दिन हम लोगों के लिए बेस्ट लेवल ये होगा। नेक्स्ट बेस्ट लेवल जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो ऊपर की साइड में अगर मार्केट चला जाता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है जो 21,400 के करीब मिल रहा है। तो ये 21,400 का लेवल जो है यहाँ से भी मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर ग्लोबल फैक्टर की वजह से फ्लैट ही ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए मार्केट अगर फ्लैट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है तो 21,270 का जो लेवल है इसके ऊपर एक हल्का सा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये भी एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कल के दिन के लिए लग रहा है। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे। वैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि पुट कॉल रेशियो जिस हालत में यहाँ पर अभी खड़ा है यहां से नीचे की साइड से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो कल के दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो की वजह से मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इस बाउंस बैक में मार्केट
थोड़ा सा सपोर्ट लेवल से अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। तो कल के दिन इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को कौन सा सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोगों को ऑलरेडी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल चुका है और उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। तो ये डाउनसाइड का जो मोमेंटम था वो उसकी वजह से मार्केट में अभी एक गैप फिल करने के करीब मार्केट आ चुका है। तो हम लोगों का जो पुराना वाला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने ये गैप फिलिंग के बारे में बता दिया था, वो गैप फिलिंग का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा? 44,950 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। यही एकदम हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी कल के दिन का निकल करके आ रहा है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में मार्केट में एक रेजिस्टेंस वाला जोन निकल करके आ रहा है। ये रेजिस्टेंस वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लोजिंग के टाइम इसी लेवल से मार्केट में हम लोगों को दोबारा सेलिंग का माहौल देखने को मिल चुका था। तो 45,315 के लेवल से मार्केट में दोबारा एक रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है और इस रिवर्सल में मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है ये 45,000 के लेवल के करीब का टारगेट निकल करके आ रहा है। मार्केट अभी एकदम क्रूशियल लेवल के ऊपर खड़ा है। इस लेवल के करीब मार्केट में अगर इस लेवल के ऊपर मतलब 45,100 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है जिसका टारगेट ऊपर की साइड में हम लोग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का पकड़ करके चल सकते हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग का रैली शॉर्ट रहेगा, मतलब एकदम क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल जो आपको मैंने अभी बताया हुआ है यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल है क्योंकि क्लोजिंग के टाइम बोर्ड टाइम मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हम लोगों को डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 44,900 के नीचे। तो यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाले लेवल रहेंगे। लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।